जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषाकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमने कल बात की थी मंगलिक योग को लेकर। मैंने कुछ विस्तृत जानकारी आपको दी थी कि मंगल अशुभ ग्रह नहीं होता, मंगल शुभता के ग्रहों में या अच्छे ग्रहों में माना जाता है, वो देवताओं में आता है और देवताओं का भी वो सेनापति माना जाता है। कुछ लोग ये कैलकुलेशन में गलती करते हैं कि उसे क्रूरता के साथ पापित्व में जोड़ लेते हैं, जबकि वो पापित्व में नहीं आता, सिर्फ उसकी क्रूरता के तत्व की वजह से या उसकी सेपरेटिव टेंडेंसीज होने की यानी अलगाववादी तत्व होने की वजह से उसे इस कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। मंगलिक योग किसी भी बेसिक शास्त्र में नहीं लिखा गया, बहुत बाद में लिखा गया है ये योग। उसके कैंसलेशन के पॉइंट्स भी फलित मार्तंड में, महूर्त चिंतामणि में, ज्योतिष सर्वस्व में, ये सब जगह लिखे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मंगलिक योग के कंसिडरेशन की कि किन किन भावों में मंगल के पड़े होने से जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाता है। दर्शकों, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, बड़े ध्यान से इसे नोट करते चले जाइए ताकि आप इस वहम से इजीली निकल पाएं कि कहाँ मंगलिक योग बनता है और कहाँ कैंसिल होता है। उसका भी आपको सारा शास्त्र सम्मत विस्तृत जानकारी मैं आपको आने वाले एपिसोड में अवश्य दूंगा, लेकिन आज हम मंगलिक किन किन भावों में गिना जाना चाहिए मंगल पड़ा होने से, वो आप समझ लीजिए। मैंने ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है, या आप इसे भावों के हिसाब से समझ लीजिए। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां भाव भी समझ सकते हैं। ये भाव के हिसाब से समझना आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो दर्शकों, सबसे पहली बात, अगर किसी भी जातक का मंगल लग्न में पड़ा हो तो उस जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाता है, मंगलिक की कंसिडरेशन के अंडर लिया जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि मंगल की सातवीं दृष्टि जो सातवें भाव पर दांपत्य सुख पर पड़ती है, अलगाववादी टेंडेंसीज होने की वजह से या अलगाववादी ग्रह होने की वजह से वो विवाह में विच्छेद करवा देता है, जिसकी वजह से उस जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाता है। पर प्रिय दर्शकों, एक बात ध्यान से नोट कीजिएगा, मैं सिर्फ आज कंसिडरेशन बता रहा हूँ, इसके कैंसलेशंस में आने वाले एपिसोड्स में एक एक लग्न कुंडली पे विस्तृत जानकारी देता हुआ आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में किसी किस्म का कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो मंगल की सातवीं दृष्टि जो विवाह स्थान पर पड़ती है, अलगाववादी ग्रह होने की वजह से विवाह सुख में कमी लाता है, जिसकी वजह से मंगल का कंसिडर होना अति आवश्यक है। अगर पहले भाव में मंगल पड़ा होगा तो ये निर्णय करना अति आवश्यक है कि ये किस प्रकार अपना असर विवाह स्थान पर डालता है। तो पहले भाव में पड़ा हुआ मंगल भी कंसिडरेशन के अंडर आता है, उस जातक को मंगलिक कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ अभी कहा जा सकता है, कैंसलेशन बाद में पढ़ेंगे। दर्शकों, बात करता हूं चौथे भाव में पड़े हुए मंगल देवता की। चौथे भाव में अगर मंगल देवता पड़े हो तो मंगल देवता की चौथी दृष्टि फिर दांपत्य सुख पर आती है, और वही अपनी सेपरेटिव टेंडेंसीज में होने की वजह से, सेपरेटिव टेंडेंसीज का ग्रह होने की वजह से जो सातवें भाव पर चौथी दृष्टि डालता है, अलगाववादी ग्रह होने की वजह से चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता भी मंगलिक योग के अंडर कंसिडर किया जाता है। उसकी गणना मंगलिक में ध्यान देने योग्य हो जाती है, क्योंकि चौथे भाव से चौथी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वो विवाह सुख में कमी लाने का सबसे बड़ा सूचक होता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर मंगल स्वयं ही सातवें भाव में विराजमान हो, यानी विवाह सुख में विराजमान हो मंगल देवता, तो भी उस जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल पड़ा होने की वजह से, अपनी सेपरेटिव टेंडेंसीज होने की वजह से विवाह सुख में कमी लाता है और जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरता है और वो दांपत्य सुख जीने में अटकलें देता है। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल भी कंसिडर किया जाता है कि वो जातक मंगलिक योग में आता है। इसे कभी भी दोष नहीं कहा जाता प्रिय दर्शकों, इसे सदैव योग की कैटेगरी में लिया जाता है।
दर्शकों बात करते हैं आठवें भाव में पड़े हुए मंगल की। अगर लग्न कुंडली में मंगल आठवें भाव में पड़ा हो तो भी उस जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाता है, उस जातक की गणना मंगलिक योग के अंडर आती है। उस जातक को सदैव कहा जाता है कि कुंडली ध्यान से मिलाकर अपना विवाह संपन्न कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आठवें भाव में हर जातक के लिए मंगल का पड़ा होना, जो कि फिजिकल बॉडी यानी हमारे शरीर का कारक है, कारक ग्रह का आठवें भाव में पड़ा होना हमें सदैव जीवन यापन कष्टों से ही भरता मिलता है, क्योंकि जो आठवां भाव होता है वो खराब भाव यानी त्रिक स्थान होने की वजह से अगर मंगल की प्लेसमेंट आठवें भाव में आती है तो नित्य नवी मुश्किलें शरीर को कहीं ना कहीं खड़ी ही मिलती हैं। तो आठवें भाव में भी मंगल को मंगलिक कंसिडर किया जाता है। दर्शकों, अगर मंगल बारहवें भाव में पड़ा हो, अगर मंगल बारहवें भाव में पड़ा हो तो भी उस जातक को मंगलिक कंसिडर किया जा सकता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है क्योंकि यहाँ से जो आठवीं दृष्टि मंगल की सातवें भाव पर पड़ती है, क्योंकि मंगल की तीन दृष्टियाँ होती हैं, अपने से चौथे घर को देखता है, अपने से सातवें घर को देखता है, अपने से आठवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर मंगल बारहवें घर में पड़ा हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो मंगल की आठवीं दृष्टि जो विवाह स्थान पर पड़ी वो भी विवाह स्थान के लिए कष्टकारी मानी जाती है, विवाह के लिए दिक्कत परेशानियों का रीज़न बनती है, विवाह में देरी भी करती है, विवाह सुख से भी संपन्न कभी होने देती ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, पहले भाव में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक योग के अंडर आता है, चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक योग के अंडर आता है, सातवें भाव में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक योग के अंडर आता है, आठवें भाव में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक योग के अंडर आता है और बारहवें भाव में पड़ा हुआ मंगल भी मंगलिक योग के अंडर आता है। प्रिय दर्शकों, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर पुराने वक्त में या साउथ इंडियन साइड्स में, आज भी बहुत सारी जगह में दूसरे भाव के मंगल को भी सदैव अशुभ मानकर या सदैव मंगलिक योग मानकर, ये मानकर के अगर किसी जातिका का या जातक का ये मंगल दूसरे भाव में पड़ा है तो वो परिवार से अलग करवा देगी, यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तमी आठवें भाव पर डालेगी तो ससुराल में आकर के भी कलह कलेश मचवा करके उस जातक को दूर ले जाएगी उस परिवार से। लेकिन जब इसकी आगे रिसर्च की गई तो ये बात बिल्कुल निराधार निकली। उसका सबसे मुख्य कारण ये था क्योंकि जैसे जैसे समाज में बदलाव आते गए, जॉइंट फैमिलीज़ कटती चली गई और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन आता गया। आजकल एक फैमिली बड़ी मुश्किल से अच्छे ढंग से रह पाती है, जॉइंट फैमिलीज़ का चलन आजकल आप देख रहे हैं कि ख़त्म होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर पड़ा हुआ मंगल दूसरे भाव में जो चौथी दृष्टि पांचवें भाव पर डालता है, ये मेल ग्रह होने की वजह से पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है और वंश वृद्धि में सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। इस रिसर्च की वजह से दूसरे भाव में पड़े हुए मंगल को मंगलिक योग से साइड पर कर दिया गया, निकाल दिया गया। साउथ इंडियंस में आज भी बहुत सारी जगहों में दूसरे भाव के मंगलिक को माना जाता है, लेकिन हमारी वैदिक ने इसे अप्रूवल नहीं दिया है। उसके लिए पहला, चौथा, सातवां, आठवां और बारहवें भाव का मंगल पड़ा होना ही मंगलिक योग की कंसिडरेशन के अंडर आता है, क्योंकि इन सब जगह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभाव सातवें घर पे आता है। अपनी अलगाववादी प्रवृत्ति होने की वजह से मंगल देवता अपनी अलगाववादी प्रवृत्ति दिखाते हुए दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचवाते हैं, दाम्पत्य सुख में ऑब्स्टेकल देते हैं, दाम्पत्य सुख जीने में मुश्किलें बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मंगलिक की कंसिडरेशन विवाह से पहले अति आवश्यक है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हमारी गलती कहाँ होती है? ना तो हम उसका बलाबल देखना ज़रूरी समझते हैं, ना उसकी युति देखना ज़रूरी समझते हैं, ना वो किस राशि में पड़ा वो देखना ज़रूरी समझते हैं, ना वो किस अवस्था में है वो देखना ज़रूरी समझते हैं। बस जहाँ भी इन पांच भावों में मंगल आया, हम लोग फटाफट बोल देते हैं कि मंगलिक है।
लेकिन सच्चाई इससे परे है जो कि शास्त्र सम्मत है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हम तो इसे नहीं मानते जी, हमें किसी को मनवाना नहीं है, हमें सिर्फ शास्त्रों के मुताबिक सच सामने लाना है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑथेंटिक है, बुक्स में लिखा गया है, श्लोकों सहित लिखा गया है, चाहे वो ज्योतिष सर्वस्व का श्लोक हो, ज्योतिष चिंतामणि का श्लोक हो, मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक हो, फलित ज्योतिष, फलित मार्तंड, इन सब शास्त्रों में इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल सकती है। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम कंसिडरेशंस की तरफ ध्यान देते हैं, कैंसलेशंस को हम पढ़ना ही भूल जाते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में अवश्य देना शुरू करूँगा। तो कंसिडरेशन किन किन भावों में होती है, रिपीट करता हूँ प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए। पहले भाव में मंगल पड़ा हो तो मंगलिक कंसिडर किया जा सकता है। कंसिडर करने का मतलब ये नहीं है कि वो मंगलिक है ही, उसके लिए कैंसलेशन के पॉइंट 7 में कंप्लीट पढ़ के ही निर्णय कीजिएगा कि ये जातक मंगलिक है या इस जातक का टेवा मंगलिक योग से फारिग हो चुका है। और एक और बहुत सारा वहम रहता है लोगों में कि ये 27 साल तक मंगलिक है, ये 28 साल तक मंगलिक है। मैंने कई बार उनसे सवाल किया कि बताइए कि 27 साल बाद क्या मंगल भाग जाएगा कुंडली से? नहीं, मंगलिक या तो होता है या मंगलिक नहीं होता, और 80-90% कुंडलियाँ मंगलिक योग में आती ही नहीं है। लेकिन लोग कह देते हैं क्योंकि पूरी जानकारी का अभाव होने की वजह से कहना बहुत आसान है, लेकिन ये प्रूव करके शास्त्रों के मुताबिक दिखाना आप जातक खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। इसके लिए खुद रिसर्च उस टॉपिक की करनी पड़ती है। आप नेट पर जाएं, लाखों साइट्स आपको मिलेंगी जो कैंसलेशन के पॉइंट रिटर्न श्लोकों सहित आपको मिलने में, आप पढ़ सकते हैं उसे, इजीली गेन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो पहले भाव में पड़ा हुआ मंगल, चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल, सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल, अष्टम भाव में पड़ा हुआ मंगल और द्वादश भाव में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक योग कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसका निर्णय किसी को तभी दीजिएगा जब इसकी पूर्ण जानकारी ले लो, कैंसलेशन के सारे पॉइंट्स भी साथ में पढ़ लिए जाएं श्लोकों सहित। आप किसी विद्वान को पढ़ा भी सकते हैं कि जी देखिए ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है कैंसलेशन के पॉइंट्स में, तब जाके आप पूर्ण विवेचन करके निर्णय दीजिएगा कि क्या जातक मंगलिक है या नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर किसी का शनि राहु केतु बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो तो हर शनिवार को कोई बिस्कुट का पैकेट लेकर के, कोई बंद का पैकेट लेकर के, कोई ब्रेड का पैकेट लेकर के, कोई चाय का पैकेट लेकर के, या वैसे भी दूध से बनी हुई चाय अगर किसी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को पिला दी जाए या उसे खाने को कुछ दिलवा दिया जाए तो वो शनि राहु केतु का पाप प्रवाह दूर करने में बहुत बड़ा सहायक होता है, क्योंकि जितने भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं वो साक्षात शनि राहु केतु माने जाते हैं। उन्हें कुछ खिलाया पिलाया आपका शनि राहु केतु का पाप प्रवाह दूर करने में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने मंगलिक योग की कंसिडरेशन की जानकारी ली, कल मैं आपको कैंसलेशन के पॉइंट्स बताना शुरू करूंगा। आज आप ये समझ लीजिए कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां, आठवां और बारहवां ये सिर्फ कंसिडरेशन में आता है। इसके कैंसलेशन के इतने ज़्यादा पॉइंट हैं कि जिसकी वजह से 90-95% कुंडलियाँ कैंसलेशन में आ ही जाती हैं, सिर्फ 5-10% कुंडलियाँ बड़ी मुश्किल से बचती हैं जो कि अशुभता का योग देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.